हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली प्रीपोजिशन ऑफ टाइम से रिलेटेड है, जिसमें कि इन, ऑन और एट जो है, जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में हम यूज़ करते हैं, उससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं। नॉर्मली हमें ऐसा लगता है, बिकॉज़ जब हम कभी इनको यूज़ करते हैं मॉर्निंग के साथ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आज। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हो सकता है ये चीज़ पहले से पता हो, तो जिनको पता है उनका रिवीजन, और जिनको नहीं पता है उनके लिए एक नई चीज़ है ये। जब कभी हम डे और नाइट, या कि आप ऐसा कह लीजिए कि जो सीज़न होते हैं उनसे रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं उनको जब हम यूज़ करते हैं, तो उनके पहले जो हम प्रीपोजिशन लगाते हैं, कॉमनली हमें ऐसा लगता है कि इन का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, एट नाइट, ऐसा करके हम नॉर्मली ऐसा बोलते हैं या ऐसे ही हमें पता होता है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि इसके अलावा कोई दूसरा वर्ड या दूसरा कोई प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं या नहीं। उसी से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं कि जब कभी हम मॉर्निंग को यूज़ करते हैं तो उसके पहले हमारा प्रीपोजिशन इन के अलावा ऑन और एट भी सही होता है, और वो कैसे होता है वही हमारा आज का कॉन्सेप्ट है। सो इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे। आज हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, इन, ऑन और एट। उसमें बेसिकली जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्ड्स लाइक मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नून, नाइट, समर, विंटर, ये कुछ एग्जाम्पल हैं ऐसे वर्ड्स के साथ जिनमें कि हम बेसिकली इन, ऑन और एट के यूज़ को समझने वाले हैं। ओके, डे एंड नाइट से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं हमारे पास, लाइक मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नून, नाइट, या इसके अलावा मिड डे, मिड नाइट, डॉन, डस्क, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं डे और नाइट को एक्सप्लेन करने वाले, या डे और नाइट के जो टाइम होते हैं उनको एक्सप्रेस करने वाले। इसके अलावा यहाँ पर सीजन लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल समर, विंटर, फॉल, स्प्रिंग, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम इन, ऑन और एट को कैसे यूज़ करेंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया कि नॉर्मली हम जब मॉर्निंग का यूज़ करते हैं तो हम बेसिकली इन, द को यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमें ऐसा लगता है कि अगर हम ऑन मॉर्निंग या एट मॉर्निंग यूज़ करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। एक्चुअली हमारा ऐसा सोचना गलत है, वो यूज़ होता है, उसी चीज़ को हम समझने वाले हैं। हमारा इससे अब हम स्टार्ट करते हैं अपने रूल्स। जैसा कि मैंने बताया, हमारे पास तीन प्रीपोजिशन हैं, इन, ऑन और एट, जो कि इन वर्ड्स के साथ किस तरीके से यूज हो सकते हैं उसी को मैंने यहाँ पर फर्दर तीन रूल्स में जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल्स चेक करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इन की। ओके, जब कभी हम वर्ड्स लाइक डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, या कि हमारा जो सीजन्स होते हैं इनसे रिलेटेड ये जो वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनके साथ हम इनको जब यूज़ करते हैं तो हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। आप सिंपली इन अगर यूज़ करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। इन हमेशा इन वर्ड्स के साथ एज अ प्रीपोजिशन आर्टिकल द को अपने साथ में लेकर आता है, लाइक इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इस तरीके से, इन दी समर, इन दी विंटर, इस तरीके से ये चीज यहां पर यूज होती है। दूसरी चीज यहां पर मैंने जैसे लिखा हुआ है कि स्पेशल केस डूइंग समथिंग देन नॉर्मल। इन दी जब कभी हम डे एंड नाइट और सीजन के साथ यूज करते हैं तो हमेशा प्रेफरेंस हमारी ये होती है कि हम इनको हमेशा ऐसे एग्जाम्पल के साथ यूज करें जो कि नॉर्मल नहीं है। डूइंग समथिंग देन नॉर्मल, कोई स्पेशल केस है कि हमने आज सुबह उठ के ये पर्टिकुलर काम किया। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द रेस्टोरेंट इन द मॉर्निंग, मैं रेस्टोरेंट गया सुबह। अब मैं डेली रेस्टोरेंट नहीं जाता, बट आज मैंने ये स्पेशल काम किया इसलिए वहां पर मैंने इन दी का यूज किया। आई वेंट टू द रेस्टोरेंट इन द मॉर्निंग। ओके, तो ये तो कॉन्सेप्ट होता है इन दे का, जो कि हमें नॉर्मली पता होता है कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग से पहले हम इन द का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये चीज हमें पढ़नी है कि कब हमारे ऐसे वर्ड्स के साथ ऑन और एट का हम यूज करते हैं और किस सिचुएशन में ये सही होता है।
देखें, जब कभी हम डे एंड नाइट और सीजन में ऑन को यूज करते हैं एज अ प्रीपोजिशन, तो उसके साथ हमेशा हमारे पास आर्टिकल या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं उनको हम यूज करते हैं. आर्टिकल हमारे पास ए और एन, और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस और दैट को हम यूज करते हैं. उसके बाद हमारे पास ये सारे वर्ड्स होते हैं जो कि डे एंड नाइट और सीजन से रिलेटेड होते हैं. दोबारा समझते हैं, जब कभी हम ऑन को ऐसे वर्ड्स के साथ यूज करते हैं तो आपके पास चार ऑप्शन है. या तो आप आर्टिकल ए एन का यूज कीजिए, या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस एंड दैट का यूज कीजिए. अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, ये जब आप एडजेक्टिव का वीडियो चेक कर लीजिए, उसमें डिटेल में हमने डिस्कस किया है कि एडजेक्टिव क्या होता है, कितने तरह का होता है, जिसमें टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट हमने जब पढ़ा. ओके, सो जब कभी हम इन वर्ड्स के साथ ऑन को यूज करते हैं तो हमेशा हमारे पास आर्टिकल ए और एन या दिस और दैट का यूज करते हैं. उसके बाद हम अपना टाइम यहां से यूज कर सकते हैं. तो ये दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट हुआ. पहला कॉन्सेप्ट, जब कभी हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में इन, ऑन और एट के कॉन्सेप्ट में डे एंड नाइट या सीजन से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ जब हम इन का यूज करते हैं तो आर्टिकल द का यूज करते हैं. और ये उस केस के लिए है जहां पर हम डूइंग समथिंग देन नॉर्मल, नॉर्मल रूटीन से हटकर अगर हम कोई काम करते हैं तो वहां पर इन द का हम यूज करते हैं. दूसरा कॉन्सेप्ट हमने देखा ऑन से रिलेटेड, जब कभी हम डे एंड नाइट या सीजन से रिलेटेड इन वर्ड्स के साथ प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं तो हमें ए एंड दिस और दैट उसके बाद यूज करना ही करना है, अदरवाइज ये हमारा गलत हो जाएगा. ऑन को हम ऐसे वर्ड्स के साथ, लाइक मॉर्निंग अगर आपको यूज करना है ऑन के साथ तो ऑन अ मॉर्निंग इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, या कि ऑन दिस मॉर्निंग इस तरीके से यूज कर सकते हैं. अगर आप सिंपली ऑन मॉर्निंग या ऑन या दैट मॉर्निंग इस तरीके से लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा. आपको बेसिकली ऑन ए एंड दिस दैट में से कोई एक वर्ड, उसके बाद ये जो हमारे पास डे एंड नाइट और सीजन से रिलेटेड वर्ड्स हैं इनको यूज कर सकते हैं. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर टू था. लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है एट से रिलेटेड, कि कभी हम एट का यूज कर सकते हैं इन वर्ड्स के साथ. तो बेसिकली एट का यूज, एट लिखेंगे आप, उसके बाद कोई भी वर्ड यहां से लेंगे. लेकिन ये किस चीज के लिए है, किस केस के लिए है, जनरल केसेस के लिए है, जो कि नॉर्मली होता है, जिसमें आपका कोई दखल नहीं है, लाइक वो आपके रूटीन का पार्ट है. तो उस चीज में हम एट का यूज करेंगे, लाइक एट मॉर्निंग, एट आफ्टरनून, एट इवनिंग, एट नाइट. इस तरीके से हम इन वर्ड्स को यहां से यूज कर सकते हैं जनरल केसेस के लिए, जो कि आपके रूटीन का पार्ट है. लाइक ये ठीक इसका अपोजिट है, इन द डूइंग समथिंग देन नॉर्मल, और एट जो होता है वो नॉर्मल केसेस के लिए हम यूज कर सकते हैं, जो कि नेचर में, कह लीजिए नेचर में होता है. इसको इस तरीके एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि आई स्लेप्ट वेल एट नाइट, दैट्स वाई आई फील फ्रेश एट मॉर्निंग. लाइक मैं रात को अच्छे से सोया इसलिए सुबह उठ करके मुझे फ्रेश फील हो रहा है. ये एक जनरल केस है. आप रात में अच्छे से सोएंगे तो जाहिर है कि सुबह आप फ्रेश फील करेंगे. तो ये हमारे पास एक जनरल केस हो गया. सो होप कि आपको ये तीनों जो हमारे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम थे, इन, ऑन और एट, उनका यूज समझ में आ गया होगा डे एंड नाइट या सीजन से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं. अब हम इनको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. यहाँ पर मैंने तीन एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं तीनों कंडीशन का, इन, ऑन और एट से रिलेटेड. पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, आई वेंट देयर इन द मॉर्निंग. आई वेंट देयर इन द मॉर्निंग. आप देखेंगे यहां पर मैंने इन द का यूज किया है मॉर्निंग से पहले. जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये एक स्पेशल केस है डूइंग समथिंग देन नॉर्मल. मैं वहां पर आज सुबह गया. अब मैं डेली वहां पर नहीं जाता, बट जैसे मैंने एक रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल आपको लेकर के अभी बताया, ठीक उसी तरीके का एग्जाम्पल है ये. आई वेंट देयर इन दी मॉर्निंग, मैं वहां पर आज सुबह गया. अब मैं डेली वहां नहीं जाता, बट आज गया हूं मैं, तो आज जो मॉर्निंग थी उसके साथ मैंने प्रीपोजिशन इन द, इन का यूज किया विद आर्टिकल द.
दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास फ्रेश एयर ब्लोज एट मॉर्निंग। अब आप देखेंगे यहां पर मैंने मॉर्निंग के साथ में एट का यूज किया है, प्रीपोजिशन एट का यूज किया है। फ्रेश एयर ब्लोज एट मॉर्निंग, जब हम सुबह उठते हैं तो बाहर की हवा जो होती है वो फ्रेश होती है, पॉल्यूशन नहीं होता, गाड़ियां नहीं चलती, इसलिए जो एयर हमारे पास सुबह के टाइम पे होती है वो फ्रेश होती है। ये एक जनरल केस है, सबको पता है कि इसीलिए हम सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं ताकि हम फ्रेश एयर को इनहेल कर सकें। अभी यहाँ पर फ्रेश एयर ब्लोज एट मॉर्निंग, ये हमारा थर्ड केस है, जनरल केस है, तो ये हमारे पास मॉर्निंग के साथ एट का यूज हम कर सकते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है आई मेट माई चाइल्डहुड फ्रेंड ऑन अ मॉर्निंग। आई मेट माई चाइल्डहुड फ्रेंड ऑन अ मॉर्निंग, यहां पर आप देखें हमने प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया है विद आर्टिकल ए, यहां पर उसके बाद हमने मॉर्निंग यूज किया है जो कि हमारा केस नंबर टू था, ऑन उसके बाद ए एंड दिस दैट, उसके बाद इनमें से कोई एक वर्ड। सो आई मेट माई चाइल्डहुड फ्रेंड ऑन अ मॉर्निंग। होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसका एक क्विक रिविजन कर लेते हैं ताकि आप इसको समराइज कर सकें। हमने जो आज पढ़ा है बेसिकली प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इन ऑन एट से रिलेटेड। यहां पर हमारी जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है कि मॉर्निंग या आफ्टरनून इवनिंग इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम हमेशा इन द का यूज करते हैं जो कि गलत है। वहां पर ऑन और एट को भी हम यूज कर सकते हैं और उसको यूज करने का जो तरीका है वो मैंने तीन डिफरेंट रूल्स में यहां पर डिस्कस किया। जब कभी आप इन वर्ड्स के साथ इनका यूज करेंगे तो आर्टिकल द का यूज करेंगे, जब कभी हम इन वर्ड्स के साथ ऑन का यूज करेंगे तो हमारे पास आर्टिकल ए और एन, दिस या दैट डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ए एन ये आर्टिकल है और ये डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, उसके बाद इनमें से कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं। लास्ट रूल मैंने अभी बताया एट, एट जो है वो बेसिकली जनरल केसेस के लिए यूज होता है जो कि नॉर्मली होते हैं। ओके, सो यहां पर तीन एग्जाम्पल से हमने इन तीनों रूल्स को समझने की कोशिश की। आई वेंट देयर इन द मॉर्निंग, जब कभी आप इनका यूज करेंगे तो आर्टिकल द लगाएंगे। फ्रेश एयर ब्लोज एट मॉर्निंग, जो जनरल केसेस होते हैं उसमें इन सारे वर्ड्स के पहले आप डायरेक्ट एट का यूज कर सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल था आई मेट माई चाइल्डहुड फ्रेंड ऑन अ मॉर्निंग, जैसा कि मैंने बताया जब कभी आप प्रीपोजिशन ऑन का यूज करेंगे तो आपके पास ये चारों ऑप्शन होते हैं जिनमें से दो आर्टिकल और दो डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव से रिलेटेड होते हैं। होप ये चीज आपको यहां से समझ में आ गई होगी। ओके, सो इसके बाद अब हम जो है वो कोई दूसरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे फर्दर, नॉट टुडे, आने वाले टाइम पे हम कोई दूसरा कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे और उस कोशिश करेंगे उसको अलग से समझने की। ओके।